वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 नवंबर 2018 और 21 नवंबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस यानी कि अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया है 20 नवंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में तुरंत आना चाहिए कि आखिर ये अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया क्यों जाता है। तो जब महाद्वीपों का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसमें जो चुनौतियां आती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। अब यहां से एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार यानी कि 2018 में जो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। इस बार की थीम है प्रमोटिंग रीजनल वैल्यू चेन्स इन अफ्रीका, अ पाथवे फॉर एक्सीलरेटिंग अफ्रीका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। तो ये थीम आपको याद रखनी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इस बार की थीम है प्रमोटिंग रीजनल वैल्यूज चेन्स इन अफ्रीका, अ पाथवे फॉर एक्सीलरेटिंग अफ्रीका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे बात है इंपोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की। तो नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं मैंने आपको सारे बताए हैं। अब आपको वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना है और नवंबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे आप कमेंट बॉक्स में एक एक करके लिखिए। जैसे अभी 19 नवंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड टॉयलेट डे। उससे पहले 18 नवंबर को क्या मनाया गया था? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। तो नवंबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं मैंने आपको कई बार बता दिए हैं, सारे आप लिखिए। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं जब भी इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आए पुराने सारे इंपोर्टेंट डे उस मंथ के आप लिखिए। जब ये बार बार आप लिखोगे और ये हैबिट अगर आपने डेवलप कर ली तो सारे इंपोर्टेंट डे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहां शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत का 49वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये गोवा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है और अगले 9 दिन तक चलेगा। इसमें 68 देशों की 212 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। कितना? 68 देशों की 212 मूवीज को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहां से दो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इस बार के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का फोकस कंट्री कौन सा है और फोकस स्टेट कौन सा है? ये दो और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोकस कंट्री है इजराइल और फोकस स्टेट है झारखंड। और इजराइल के एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं डैन वॉलमैन, इनको इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा इस समारोह में। तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल समूह में पुनः शामिल होने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में मालदीव के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल समूह में पुनः शामिल होने की मंजूरी दे दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2 साल पहले यानी कि 2016 में मालदीव राष्ट्रमंडल समूह से बाहर हो गया था और अब फिर से मालदीव राष्ट्रमंडल समूह में शामिल हो रहा है। राष्ट्रमंडल समूह में कितने कंट्री हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रमंडल समूह में है प्रेजेंट टाइम पे 53 कंट्री और अब मालदीव भी इसमें शामिल होने जा रहा है। अब मालदीव शामिल होने जा रहा है तो आप मैप में देखिए, ये है मालदीव। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल है माले।
और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले, ये है प्रेजेंट टाइम पे मालदीव के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो जापान बिजनेस काउंसिल का बिजनेस फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडो जापान बिजनेस काउंसिल का बिजनेस फेस्टिवल पुणे में आयोजित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडिया और जापान के बीच में बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में ये एक बिजनेस काउंसिल का बिजनेस फेस्टिवल हुआ है पुणे में। अब ये जापान के साथ है तो मैप में देखिए, ये है जापान, जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। और एक और क्वेश्चन बनता है जापान से कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में लक्ष्य सेन ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है लक्ष्य सेन और इन्होंने इस बार विश्व जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये विश्व जूनियर चैंपियनशिप हुई कहां पे है? तो ये हुई है कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को 100% शिकायत निवारण के लिए सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में चेन्नई एयरपोर्ट को 100% शिकायत निवारण के लिए सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हमारे प्रेजेंट टाइम की केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं सुरेश प्रभु और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं जयंत सिन्हा, इन्होंने चेन्नई एयरपोर्ट को 100% शिकायत निवारण के लिए सम्मानित किया है और इसके साथ ही एयर सेवा का सेकेंड वर्जन यानी कि 2.0 लॉन्च किया है। अब ये एयर सेवा क्या है? एयर सेवा में कस्टमर जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनकी कंप्लेन कर सकते हैं और इन कंप्लेन को फिर रिजोल्व किया जाता है। तो 100% कंप्लेन रिजोल्व की है चेन्नई एयरपोर्ट ने, इसलिए चेन्नई एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुकी ऑफ द ईयर सम्मान किसने जीता है? तो अभी हाल ही में गोल्फर शुभंकर शर्मा ने रुकी ऑफ द ईयर सम्मान जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका पूरा नाम है रुकी ऑफ द ईयर का सर हेनरी कॉटन रुकी ऑफ द ईयर, तो ये इस बार जीता है शुभंकर शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $310 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने झारखंड के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $310 मिलियन का ऋण समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये झारखंड के साथ किया है तो क्यों किया है ये भी पता होना चाहिए। तो झारखंड में सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराने के लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ $310 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अब ये झारखंड के लिए किया गया है तो आप मैप में देखिए, ये है झारखंड, झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? रघुबर दास। और झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इतना आपको झारखंड के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए थिएटर उत्सव जश्न ए बचपन का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में बच्चों के लिए थिएटर उत्सव जश्न ए बचपन का 14वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एनएसडी और टीआईई ने मिलकर इसका आयोजन किया है। एनएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और टीआईई की फुल फॉर्म क्या होती है? थिएटर इन एजुकेशन। तो इन दोनों ने मिलकर ये जश्न ए बचपन का आयोजन किया है। ये 9 दिन तक चलेगा और इसमें स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 नए नेविगेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किए हैं? तो अभी हाल ही में चाइना ने 2 नए नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेइडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में चाइना ने अपने 2 नए नेविगेशन सैटेलाइट जोड़े हैं। अब चाइना ने जोड़े हैं तो मैप में देखिए, ये है चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। अब आपको करेंसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत बार मैंने क्लियर कर दिया है। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस संचार पर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में पुलिस संचार पर सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पुलिस संचार यानी कि पुलिस में जो आजकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है
उसमें और अधिक क्या मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है और पुलिस के लिए उसको और कितना आसान किया जा सकता है, इसके बारे में ये सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में और ये 2 दिन तक चलेगा। तो पुलिस संचार पर ये सम्मेलन है और नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौमी एकता सप्ताह की शुरुआत कब हुई है? तो अभी हाल ही में 19 नवंबर को कौमी एकता सप्ताह की शुरुआत हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक ये कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा और इसे राष्ट्रीय एकता सप्ताह भी कहा जाता है। अलग अलग धर्मों में कैसे सद्भाव लाया जाए, कैसे समभाव लाया जाए और कैसे भाईचारा डेवलप किया जाए, इसके बारे में ये कौमी एकता सप्ताह है और पूरे सप्ताह अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जिससे कि सभी धर्मों में भाईचारा आए। तो ये 19 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो अभी हाल ही में भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है मथुरा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेशआरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेशआरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।